और वहीं केदार घाटी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। केदार घाटी में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है और उसके बाद हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बढ़ गए हैं। मौसम में आई तब्दीली के बाद 6 महीनों तक बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों ने निचले इलाकों की ओर आना शुरू कर दिया है। तो केदार घाटी में मौसम का मिजाज बदला है, हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जिस तरीके से है, भेड़ पालकों ने निचले इलाकों का धीरे धीरे रुख करना शुरू कर दिया है। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। केदार घाटी में मौसम का मिजाज बदला है हिमालय क्षेत्रों में, और यही वजह है कि हल्की बारिश हो रही है। केदार घाटी में जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, जो भेड़ पालक वहां पर हैं वो धीरे धीरे निचले इलाकों की तरफ अब रुख करना शुरू कर रहे हैं। केदार घाटी में हल्की बारिश भी हुई और उसी वजह से मौसम बदला हुआ नजर आया, बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। लक्ष्मण सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। लक्ष्मण, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा, सबसे पहले अपडेट बताइए कैसा मौसम वहां पर है। देखिए, केदार घाटी में एक बार मौसम के करवट लेने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमालयी क्षेत्रों के तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है और मौसम के करवट लेने के कारण चार धाम यात्रा कहीं ना कहीं प्रभावित देखने को मिल रही है। हिमालयी क्षेत्रों के तापमान में भारी गिरावट होने से जो 6 महीने बुग्यालों में प्रवास करते हैं वो भेड़ पालक निचले इलाकों की तरफ उन्होंने रुख कर दिया है और निचले इलाकों में बेमौसमी बारिश होने से काश्तकारों की धान की फसल कहीं ना कहीं प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। और निचले क्षेत्रों में विगत दिनों बरसात से हुई जो सड़कें क्षतिग्रस्त थी उनको आवागमन करना जानलेवा बना हुआ है, और आने वाले समय में यदि मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहता है तो हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। और हिमालयी क्षेत्रों में यदि बर्फबारी होती है तो यह मौसम की पहली बर्फबारी हिमालय क्षेत्रों में मानी जाएगी। लक्ष्मण, क्या भेड़ पालकों ने निचले इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है? जी देखिए, हिमालयी क्षेत्रों में 6 महीने प्रवास करने वाले जो भेड़ पालक हैं, जैसे खाम मननी इन बुयालों में या चौखम्मा के निचले इलाकों में जो भेड़ पालक रहते थे, नंदीकुंड पर्णवसेरा ऊपरी इलाकों में तापमान की गिरावट आने के कारण भेड़ पालकों ने निचले क्षेत्रों की ओर रुख कर दिया है। पिछली विगत वर्षों की मैं बात करूं तो भेड़ पालक जो हैं दीपावली के नजदीकी निचले क्षेत्रों की ओर रुख करते थे, मगर इस बार मौसम के अचानक करवट लेने के कारण जो हिमालय क्षेत्रों के तापमान में गिरावट आने के कारण भेड़ पालक निचले की ओर रुख कर चुके हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो केदार घाटी में हल्की बारिश हुई और अब बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं और यही बदला है अब मौसम का मिजाज।